दोस्तों, आपने साल 2007 से लेकर 2010 तक प्रसारित हुआ सीरियल सपना बाबुल का बिदाई तो जरूर देखा होगा, जिसमें साधना और रागिनी नाम की दो ऐसी बहनों की कहानी पेश की गई थी, जिसमें साधना जहां गोरी होती हैं, तो वहीं रागिनी सावली होती हैं, और इसी वजह से रागिनी को अक्सर साधना से कंपेयर किया जाता है और लोगों द्वारा कई नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। पर बावजूद इसके साधना और रागिनी के बीच बेहद ज्यादा प्यार होता है, जिसकी इसी कहानी को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। लेकिन दोस्तों, आज इस सीरियल को खत्म हुए तकरीबन 11 साल बीत चुके हैं और बीते इन सालों में आज साधना और रागिनी के किरदार में नजर आई ये अभिनेत्रियाँ कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले इस यादगार सीरियल के लिए एक लाइक तो बनता है। सीरियल में साधना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम सारा खान है, जिनका जन्म 6 अगस्त 1989 को भोपाल में हुआ था और इसलिए इनकी पूरी पढ़ाई भी भोपाल से ही कंप्लीट हुई थी। वहीं अगर बात करें इस बेहतरीन अदाकारा के अभिनय करियर की, तो इन्होंने साल 2007 में आए सीरियल बिदाई से ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जहां इनके साधना के किरदार को दर्शकों द्वारा इतना ज्यादा प्यार दिया गया था कि इस सीरियल के बाद इन्हें ससुराल सिमर का, भाग्य लक्ष्मी और कवच सीरियल में भी काम करने का मौका मिला। वहीं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कदम रख चुकी हैं, जिन्हें हमारी अधूरी कहानी और टोटल स्यापा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। सीरियल में काले रंग की रागिनी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम पारुल चौहान है, जिनका जन्म 19 मार्च 1988 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुआ था और इसलिए इनकी पढ़ाई भी वहीं से कंप्लीट हुई। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने साल 2003 में आए सीरियल कहीं तो होगा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जब इन्हें साल 2007 में बिदाई सीरियल में रागिनी का किरदार निभाने का मौका मिला, तब इन्होंने अपने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि आज यही किरदार इनकी पहचान बन चुका है। इसीलिए तो इन्हें आगे चलकर पुनर्विवाह, रिश्तों से बड़ी प्रथा और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। साथ ही ये बड़े पर्दे के लिए भी जानी जाती हैं, जिन्होंने साल 2018 में आई फिल्म पैडमैन में अभिनय किया था, जिसके चलते आज इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज सीरियल बिदाई को ऑफ एयर हुए तकरीबन 11 साल हो चुके हैं और बीते इन 11 सालों में साधना और रागिनी के किरदार में नजर आई अभिनेत्री सारा खान और पारुल चौहान भी काफी ज्यादा बदल गई हैं। जहां साधना के किरदार में नजर आई सारा खान आज अपनी 31 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं और पहले से काफी ज्यादा अलग दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। हालांकि आज ये सीरियल से बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई देती हैं, लेकिन बीते इन सालों में इन्होंने अपनी लिप सर्जरी करवा ली थी, जिसके चलते आज ये भले ही पहले से ज्यादा स्टाइलिश लगती हों, पर ये अपनी नेचुरल ब्यूटी खो चुकी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ये अपने हस्बैंड अली मर्चेंट से तलाक लेकर मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा है, जो हमें कुछ समय पहले ही सीरियल संतोषी माँ के सेकेंड सीजन में नजर आई थी। वहीं सीरियल में सावली रागिनी के किरदार में नजर आई पारुल चौहान आज अपनी 32 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं और पहले से भी काफी ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश दिखाई देती हैं। जहां सीरियल में ये काफी सादगी भरे अंदाज में नजर आई थीं, तो वहीं अब इनके ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर हेयर स्टाइल में भी काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। साथ ही वर्तमान में अभिनेता चिराग ठक्कर के साथ शादी रचाकर मुंबई में खुशहाल जीवन बिता रही हैं, लेकिन ये हमें पिछले 2 सालों से किसी भी सीरियल में काम करते हुए नजर नहीं आई, जिन्हें लास्ट टाइम पैडमैन मूवी में देखा गया था। तो दोस्तों, आपको बिदाई सीरियल में पारुल चौहान का किरदार ज्यादा दिलचस्प लगा था या सारा खान का? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और रोमांचक खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।